हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फोर्थ क्लास किड्स. वेलकम टू फिनिक्स इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल एंड वेलकम बैक टू अवर 66 सेशन. हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल देयर. सो चिल्ड्रन, लेट्स गेट स्टार्ट अवर हिंदी क्लास. सी चिल्ड्रन, दिस इज योर हिंदी रीडर एंड विच क्लास इट इज? फोर्थ. एंड व्हाट्स इट्स नेम? बाल सुमन. आर यू रेडी विद दिस रीडर? ओके, नाउ ओपन योर रीडर्स. सो चिल्ड्रन, व्हाट वी लर्न इन योर प्रीवियस क्लास? हम हमारी प्रीवियस क्लास में क्या करे थे बच्चों? फॉर्मेटिव असेसमेंट 3 पेपर जो है वो सॉल्व करे थे. ठीक है, वी फिनिश अवर फॉर्मेटिव असेसमेंट 3 पेपर. आई थिंक यू हैव कम्प्लीट दिस ऑल 4 बिट्स इन यूर नोट्स. आप लोग कम्प्लीट कर लिए होंगे एफ ए 3 के 4 बिट्स अपनी अपनी नोट्स में. तो चलिए, बिफोर कम्प्लीटिंग अवर एफ ए 3 पेपर, हम उससे पहले आपके रीडर में क्या वर्क करे थे बच्चों? पेज नंबर 15 पर देखिए, ये 3 बिट्स करे थे. ठीक है, तो चलिए आज हम हमारा जो लेसन है, थर्ड लेसन कृष्णा और सुदामा. थर्ड लेसन कृष्णा और सुदामा में देखिए, ये लेसन में हम एक्सरसाइज बिट करे थे यहाँ पर पेज नंबर 15 पर. ओके, आ आ ई ई. ओके, तो चलिए आज हम नेक्स्ट ऑफ द बिट कंटिन्यू करेंगे. सो कम अप द पेज नंबर 16, पेज नंबर 16. ओके, एंड कीप योर फिंगर्स ऑन दिस फर्स्ट बिट. चलिए यहाँ पर फर्स्ट बिट देखिए, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द लिखिए. पर्यायवाची शब्द मीन्स सिनोनिम्स, डिफरेंट वर्ड्स सेम मीनिंग. ओके, यहाँ पर देखिए डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, मीनिंग सेम होता है. यहाँ पर शब्द अनेक, अर्थ एक ही होता है, इसे पर्यायवाची शब्द बोलेंगे. ओके, वन इज डन फॉर, फर्स्ट वन कंप्लीट है हमारा. तो देखिए बच्चों, पहला शब्द जो है कृष्णा, कृष्णा का पर्यायवाची शब्द श्याम मुरारी. श या को की मात्रा माँ श्याम मुरारी, माँ को की मात्रा रा को, आ की मात्रा रा को, बड़ी की मात्रा मुरारी. कृष्णा का पर्यायवाची शब्द है श्याम मुरारी. नेक्स्ट फोर्थ देखिए, राजा, राजा यानी कि किंग. तो देखिए राजा जो है उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? और नरेश प्रजापति. ना रा को एक ही मात्रा श नरेश प्रजापति. पा को पदिन की मात्रा प्र, जा को आ की मात्रा ज, प्रजा पा ता को छोटी की मात्रा ती, प्रजापति. राजा का पर्यायवाची शब्द नरेश प्रजापति. ओके, नेक्स्ट थर्ड देखिए, मित्र, मित्र यानी कि फ्रेंड. तो चलिए मित्र का पर्यायवाची शब्द देखिए दोस्त साथी. दा को की मात्रा आधा सा ता दोस्त, सा को की मात्रा सा, था को बड़ी की मात्रा थी साथी. मित्र का पर्यायवाची शब्द दोस्त एंड साथी. नेक्स्ट फोर्थ देखिए, घर, घर मीन्स होम. ठीक है, चलिए घर का पर्यायवाची शब्द देखिए ग्रह और भवन. गा को री की मात्रा ह, ग्रह भवन, भवन भवन. ओके, सो दिस इज अवर सिनोनिम्स. ओके, राइट ऑन दिस बिट वन टाइम इन योर रीडर. ओके, कंप्लीट दिस बिट इन यूर रीडर चिल्ड्रंस. नाउ मूव टू सेकेंड बिट. अपने मित्र के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देते हुए एक संदेश लिखिए. आपके फ्रेंड के जन्मदिन पर मुबारकबाद देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए आपको एक संदेश लिखना है, यानी कि एक मैसेज लिखना है. ठीक है, संदेश यानी कि मैसेज. ओके, आपके फ्रेंड के बर्थडे पर. ओके, तो चलिए हिंदी में देखिए यहाँ पर संदेश कैसे लिखना है आपको. प्रिय मित्र यानी कि डियर फ्रेंड. ओके, प्रिय मित्र, मेरी ओर से तुम्हें अपने जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, यानी कि मेरी तरफ से तुम्हें अपना जन्मदिन पर बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं. ठीक है, तो चलिए ये बच्चों, ये था जन्मदिन पर, अपने मित्र के जन्मदिन पर शुभकामनाएं संदेश यानी कि मैसेज है. ओके, आपको इस तरह से ये रिडल में कंप्लीट करना है, यानी ये संदेश किस तरह से लिखा जाता है हिंदी में. ठीक है, प्रिय मित्र, मेरी ओर से तुम्हें अपने जन्मदिन के ढेर सारी शुभकामनाएं. माँ को एक ही मात्रा में, रा को बड़ी की मात्रा री मेरी, और ओ रा और, सा को एक ही मात्रा से तुम्हें, ता को की मात्रा आधा माँ, हाँ को एक ही मात्रा तुम्हें, अपने आप अपना को एक ही मात्रा ने अपने जन्मदिन, ज आधा ना माँ जन, दा को एक ही मात्रा ना दिन जन्मदिन की, का को बड़ी की मात्रा की ढेर, ढा को एक ही मात्रा रा ढेर सारी, साकु की मात्रा सा, राकु बड़ी की मात्रा री सारी शुभकामनाएं, शाकु की मात्रा भा शुभ, काकुआ की मात्रा मा काम, नाकुआ की मात्रा एक शुभकामनाएं. मेरी ओर से तुम्हें अपने जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. सो चिल्ड्रन, आर यू अंडरस्टैंड दिस बिट? सो कंप्लीट दिस बिट इन यूर रीडर, राइट नीटली एंड प्रॉपरली, रीड एंड राइट. नाउ मूव टू अवर लास्ट बिट. मित्रता से संबंधित एक और कहानी संग्रह कर कक्षा में सुनाइए. यहाँ पर क्या करना है बच्चों? मित्रता से संबंधित यानी कि फ्रेंडशिप से रिलेटेड एक और कहानी संग्रह करना है, यानी कि गैदर करना है, एक जगह कर आपको एक कक्षा में सुनाना है. यहाँ पर आपको स्पेस भी है, लिखना भी है. यहाँ पर देखिए
जैसे कि यहाँ पर जो मित्रता हम जिनकी मित्रता के बारे में हम यहाँ पर पढ़े, कृष्णा और सुदामा की मित्रता के बारे में हम यहाँ पर पाठ पढ़े थे ना बच्चों, तो उसी तरह से आपको किसी और मित्रता, कोई और मित्रता, कोई और फ्रेंडशिप से रिलेटेड, ठीक है, एक स्टोरी लिखना है, ठीक है, किसी की फ्रेंडशिप पर आपको यहाँ पर स्टोरी लिखना है, कहानी संग्रह करके लिखना है, ओके, कक्षा में सुनाना भी है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपको स्पेस भी है, आपको यहाँ पर लिखना भी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दो मित्र पर एक कहानी देखिए, कथा, राजप्पा और नागराजन दो अच्छे मित्र थे, एक ही कक्षा में पढ़ते थे। यहाँ पर देखिए दो मित्र है, कौन कौन है यहाँ पर, राजप्पा और नागराजन दो मित्र, दोनों का नाम क्या है, एक का नाम है राजप्पा, दूसरे का नाम है नागराजन, ठीक है। राजप्पा और नागराजन दो अच्छे मित्र थे, दोनों अच्छे क्या है, मित्र हैं, एक ही कक्षा में पढ़ते थे, यानी कि एक ही क्लास में वे पढ़ते थे। राजप्पा के पास एक टिकट एल्बम था, एल्बम इन्होंने टिकट एल्बम, यानी कि जो टिकट्स होते हैं ना, जैसे कि एनवलप पे यहाँ पर टिकट्स वगैरह लगाते हैं ना पोस्ट करने के लिए, तो देखिए वैसे टिकट्स का राजप्पा के पास एक एल्बम था, अचानक नागराजन के मामा ने उसे एक एल्बम भेजा, और राजप्पा जो है एक लड़के के पास, जो राजप्पा के पास जो है एक एल्बम, अच्छा सुंदर सा एल्बम था। फिर अचानक एक दिन क्या हुआ, नागराजन के मामा ने भी उसके लिए एक सुंदर सा एल्बम भेजा। अब कक्षा में क्या है, कक्षा के सारे बच्चे नागराजन के एल्बम की प्रशंसा करते हैं। पहले देखिए कक्षा के सारे बच्चे जो है राजप्पा के एल्बम की तारीफ करते थे, यानी कि प्रशंसा करते थे। बाद में नागराजन का एल्बम आ जाने के बाद, नागराजन के मामा ने उसके लिए एल्बम भेजा था ना, तब कक्षा के सारे बच्चे क्या करने लगे, नागराजन के एल्बम की प्रशंसा करने लगे, यानी कि उसकी प्रशंसा यानी कि तारीफ करने लगे नागराजन के एल्बम की। नहीं तो पहले वो लोग राजप्पा के एल्बम की तारीफ करते थे, उसे देखते थे, उसकी सुंदरता को और टिकट्स को वो लोग देखते थे। अचानक से नागराजन के पास एल्बम आने के बाद वो सारे लड़के क्या हो गया, सब नागराजन के एल्बम की प्रशंसा करने लगे। इस पर राजप्पा को बहुत गुस्सा आया, यानी कि वो बहुत क्रोधित हुआ। जैसे ही सारे लड़के नागराजन के एल्बम की तारीफ करने लगे, यानी कि प्रशंसा करने लगे, इस बात पर क्या हुआ, राजप्पा को उसका जो दूसरा और एक दोस्त था वहाँ पर, मित्र जो था राजप्पा, उसको बहुत गुस्सा आता है, ये बात पर उसको बहुत ही गुस्सा आता है। वे नागराजन का एल्बम चुरा कर जला देता है, वे क्या करता है, राजप्पा जो है उसको बहुत ही क्रोधित होता है, यानी कि बहुत ही गुस्से में आ जाता है। सारे लड़के उसी के एल्बम की तारीफ़ करने लगे नागराजन के एल्बम की बोलकर, वे क्या करता है, नागराजन के घर जाकर उसका एल्बम जो है चुरा कर जला देता है, अंगेठी में जला देता है, आँच में जला देता है। नागराजन बहुत दुखी होता है, उसको पता भी नहीं होता है इस बात का कि उसके दोस्त ने उसका एल्बम जला दिया, तो उसका एल्बम गुम गया बोलकर, वह खो गया है बोलकर नागराजन इस बात पर बहुत ही दुखी होता है। राजप्पा का जो दोस्त है नागराजन, उसके एल्बम के खो जाने पर वह इस बात पर बहुत ही दुखी होता है। उसके दुख को देख कर राजप्पा तुरंत अपना एल्बम उसे दे देता है, अपने मित्र का। राजप्पा जो है नागराजन का एल्बम खुद ही जला देता है, स्वयं ही जला देता है, बट अपने दोस्त, अपने मित्र जो नागराजन बहुत ही दुखी होता है, तो उस बात को वे देखकर तुरंत ही अपना एल्बम राजप्पा तुरंत यानी कि सडन जल्दी से अपना एल्बम क्या करता है, वे उसे दे देता है, किसे, नागराजन को। राजप्पा ने ही नागराजन का एल्बम जला दिया था, मगर उसके दोस्त को, मित्र को नहीं मालूम थी ये बात। फिर से वे क्या करता है, उसके दुख को देखकर अपना जो एल्बम था, जो टिकट इकट्ठा कर वो एल्बम बनाया था, वह एल्बम अपने नागराजन यानी कि अपने मित्र को वे दे देता है तुरंत। तो ये थी नागराजन और राजप्पा की मित्रता, अपने मित्र के दुख को वो सहन नहीं करता है, इसीलिए वे तुरंत अपना एल्बम अपने मित्र को दे देता है। देखिए ये थी राजप्पा नागराजन की अच्छी मित्रता, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आपको कोई आप अन्य मित्रता से संबंधित कहानी भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। कोई और किसी और की मित्रता के बारे में आप यहाँ कहानी लिख सकते हैं, ठीक है। If you want to copy this, you can copy. So, children, are you understand this all bits, these three bits? So, write down this
कंप्लीट दिस रिव्यूज इन यूअर रीडर राइट नीटली एंड प्रॉपरली रीड एंड राइट चिल्ड्रंस रीड विथ स्पेलिंग. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर थर्ड लेसन कृष्णा और सुदामा. इंशाल्लाह इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर न्यू लेसन. टिल देन कंप्लीट योर रीडर वर्क. ओके राइट नीटली एंड प्रॉपरली रीड एंड राइट. सो इंशाल्लाह विल मीट अवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर. हैव अ नाइस डे एवरीवन.